मैं पिछले 20 वर्षों से रिसर्च कर रहा हूं कि मुझे कोई माहेश्वरी, कोई अग्रवाल, कोई जैन बलात्कारी मिल जाए, आज तक नहीं मिला। मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ढूंढ रहा हूं कोई ऐसा केस आए जहां कोई माहेश्वरी समाज, जैन समाज, अग्रवाल समाज, मारवाड़ी समाज का आदमी भाड़े का हत्यारा मिल जाए, किडनैपर मिल जाए, आज तक नहीं मिला। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं हिंदुस्तान के, भारत के ऐसे क्लब में हूं जहां तुलसियान जी ने बताया यहां लहसुन प्याज होता ही नहीं, खरीदा नहीं जाता। आखिर क्या कारण है कि माहेश्वरी, जैन, अग्रवाल, मारवाड़ी इस समाज के लोग मर्डर नहीं करते? बलात्कार नहीं करते, हत्या नहीं करते, बुचरिंग नहीं करते, मैन स्लॉटर नहीं करते, जेनोसाइड नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसका भी जवाब भगवद गीता में है। भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्य में तीन तरीके के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये इस बात पे, ये गुण कौन सा कितना परसेंट होगा, कौन सा 10% होगा, कौन सा 20 होगा, कौन सा 30 होगा, कौन सा 100% होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि शुरुआत में 16 साल या 18 साल तक बच्चा आंखों से देखता क्या है, कान से सुनता क्या है और मुंह से भोजन क्या करता है। पूरी की पूरा आदमी का जो सोच है वो तीन चीज पे होती है, आंखों से क्या देखा, कान से क्या सुना, आंखों से क्या पढ़ा और मुंह से क्या भोजन किया, उसी पे डिपेंड करता है उसका सोच, और जैसा वो सोचता है वैसा वो व्यवहार करता है। अगर हम चाहते हैं कि भारत में अपराध कम हो, कई लोग अपराध मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये आंखों से जो कूड़ा करकट जा रहा है, कान से जो कूड़ा करकट जा रहा है और मुंह से जो कूड़ा करकट जा रहा है, इसको तो रोकना पड़ेगा, क्योंकि गार्बेज इन गार्बेज आउट। कूड़ा देखोगे कूड़ा करोगे, कूड़ा सुनोगे कूड़ा करोगे, कूड़ा खाओगे कूड़ा करोगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। लेकिन हो क्या रहा है, हम कह रहे हैं सबको कुछ भी खाने की आजादी है, हम कह रहे हैं सबको कुछ भी देखने की आजादी है, हम कह रहे हैं सबको कुछ भी पढ़ने की आजादी है। अरे जब हर चीज की आजादी है तो फिर अपराध करने की आजादी दो ना भाई। आप पेट्रोल से आग कभी आग बुझाई जाती है क्या? आपको अगर अपराध कंट्रोल करना है तो आपको बच्चों बचपन में अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे, और अच्छा संस्कार कैसे आएगा, जैसा वो पढ़ेगा, जैसा वो देखेगा, जैसा सीरियल देखेगा, जैसे चैनल देखेगा, जैसा सोशल मीडिया से देखेगा, जैसा भोजन करेगा, इसी पर डिपेंड करता है। तो अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो, अपराध खत्म हो, तो दो काम करना पड़ेगा, शिक्षा में संस्कार देना पड़ेगा और कानून का खौफ पैदा करना। आपके यहां कल एक हत्या हो गई बेटी की, विभत्स तरीके से हत्या हुई, उसके बाद क्या निकला, कैंडल मार्च। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैंडल मार्च की प्रथा शुरू कब हुई। अरे जब गुस्से में हो तो शक्ति मार्च करो, गदा मार्च करो, भाला मार्च करो, लाठी मार्च करो, तलवार मार्च करो, कैंडल मार्च। ये कैंडल मार्च अंग्रेजों के जमाने में है, और बड़े प्लांड वे में भारत के लोगों को दिमागी रूप से गुलाम बनाने, शारीरिक रूप से अक्षम बनाने के लिए उन्होंने नया कॉन्सेप्ट दे दिया, गांधीवादी वाला, कैंडल मार्च। कैंडल मार्च से न्याय मिलेगा क्या? कैंडल मार्च से न्याय मिलता है क्या? आज तक किसी कैंडल मार्च से न्याय मिला क्या? 10 साल पहले लखनऊ में कमलेश तिवारी की विभत्स हत्या हुई थी, गला काट काट के, खूब कैंडल मार्च हुआ, न्याय मिला क्या? अभी 2 साल पहले उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी, गला काट
काट काट के हत्या हुई, खूब कैंडल मांस हुआ, न्याय मिला क्या? मिल ही नहीं सकता। कोर्ट कैंडल मांस थोड़ी देखती है, कोर्ट तो कानून देखती है, कानून में लिखा क्या वो देखती है। हम कानूनों को बदलवाने, चलो कैंडल मार्च करना भी है, वैसे तो मैं इसका पक्षधर नहीं, अगर करना भी है तो पुलिस रिफॉर्म के लिए कैंडल मार्च करो, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए कैंडल मार्च करो, इलेक्शन रिफॉर्म के लिए कैंडल मार्च करो, टैक्स रिफॉर्म के लिए कैंडल मार्च करो, बहुत सारे और तरीके हैं कैंडल मार्च करने के लिए। एक आदमी मर जाएगा, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, ट्विटर पे ट्रेंडिंग, व्हाट्सएप पे ट्रेंडिंग, हैशटैग पे ट्रेंडिंग, तीन चार दिन जोश रहेगा खूब, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, उसके बाद अगली हत्या हो जाएगी, पिछले वाले को भूल जाएंगे, उसके लिए जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है भैया, ये सोल्यूशन नहीं है। जितनी हत्या भारत में होती है, जितना बलात्कार भारत में होता है, जितनी अराजकता भारत में है, बाकी तो छोड़ो, मैं सिंगापुर की बात नहीं करता, जापान की बात नहीं करता, इतना दुबई में होता है। आप लोग दुबई में, कुछ लोग गए होंगे, जाते रहते होंगे, इतना खौफ, इतना अपराध दुबई में होता है क्या? लोग दिल्ली में रात को 12 बजे घूमने से डरते हैं और दुबई में रात को 2 बजे शॉपिंग करते हैं। 50 साल पहले दुबई रेगिस्तान था, कुछ था ही नहीं, कैसे बढ़ गया? कठोर कानून बनाया, कानून का खौफ पैदा कर दिया, लोगों के अंदर से डर निकाल दिया, कोई भी आओ धंधा व्यापार करो, कोई भी आओ रहो, जो तुम्हारे साथ गड़बड़ी करेगा उससे हम निपट लेंगे। ये होता है शासन, ये होता है कानून, ये होता है सरकार। मेरा मानना है कि सबसे पहले जिन देशों में शांति है, आप उठा के देख लीजिए, गूगल करिएगा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, या गूगल करिएगा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, तो आप उसमें टॉप 10 कंट्रीज को देखिए, उसमें न्यूजीलैंड आएगा, डेनमार्क आएगा, फिनलैंड आएगा, जर्मनी आएगा, सिंगापुर आएगा, ये देश आएंगे जहां पे करप्शन भी बहुत कम है और अपराध भी बहुत कम है। उसका एक ही कारण है, उनकी शिक्षा व्यवस्था हमारी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था जैसी है। जो हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी उसको उन्होंने अपना लिया है, हमने उसको छोड़ दिया है। किस नाम पे छोड़ दिया? सेकुलरिज्म के नाम। और दूसरा उन्होंने क्या किया? कानून का खौफ पैदा किया। ऐसा कानून का खौफ पैदा किया है जैसे ये मेरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है, और मेरे दूसरे हाथ में ये अभी नया जो कानून बना है भारत में, भारतीय न्याय संहिता। अंतर क्या है समझिए। पहली बात तो आपने पतला दिख रहा होगा और ये मोटा दिख रहा होगा। आप बताइए क्राइम कहां ज्यादा है, भारत में कि अमेरिका में? तो किताब किसकी मोटी होनी चाहिए, जोर से बोलिए जरा। अरे अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है, तो किताब किसकी मोटी होनी चाहिए? भारत। अमेरिका में क्राइम कम है, भारत में ज्यादा है, तो कानून किसका कठोर होना चाहिए? भारत। हमारे इसमें मर्डर की एक धारा है, मतलब हमारे पूर्वांचल में कहावत है, सब धान 22 पसेरी। सुना सुनी सुना, राजस्थान में कहावत नहीं है, यूपी में है। मतलब कैसा भी मर्डर कर दो, रोड रेज में मर्डर कर दो, गला दबा के मार दो, एक भूसा मार दो, दो गोली मार दो, गला रेत रेत के मारो, 35 टुकड़े करके मारो, 50 टुकड़े करके मारो, जैसे भी मारो, धारा एक क्या है? मर्डर। अमेरिका में मर्डर की 10 धारा है। किलिंग अलग है, मर्डर अलग है, बुचरिंग अलग है, मैन स्लॉटर अलग है, हेट क्राइम अलग है, जेनोसाइड अलग। तो पहले जो मर्डर हुआ वो किस कैटेगरी का मर्डर हुआ वो पहले डिफाइन है, यानी जज चाह के भी किसी को कम सजा नहीं दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी अलग अलग धारा है। यहां तो एक ही धारा है, इसलिए जज की मर्जी, सामने वाला बढ़िया वकील आ गया, कोई पूर्व कानून मंत्री आ गया, कोई भूतपूर्व गृह मंत्री आ गया, भूतपूर्व वित्त मंत्री आ गया, ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट वकालत को करते,
वैसे आ गया तो सजा थोड़ी कम कर दिया, कोई ढीला ढाला आया तो बढ़ा दिया। अमेरिका में आप जज चाह के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सबके अलग अलग धारा। भारत में कन्हैया लाल का मर्डर हुआ है, उसके हत्यारे को ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए की पेनल्टी होगी मैक्सिमम, और आजीवन कारावास होगा। आजीवन कारावास का मतलब 14 साल। उस कन्हैया लाल की हत्या अगर अमेरिका में हुई होती तो वो केस फिट बैठता जेनोसाइड, क्योंकि हेट क्राइम हुआ था ना, मजहब के आधार पर मारा था ना, जेनोसाइड किया था। उसमें $10,00,000 को जुर्माना है, भारत के हिसाब से 8 करोड़ रुपए। चैप्टर नंबर 50 जेनोसाइड इसमें। अगर 3 लोगों ने मारा तो तीनों लोगों पे पहले $10,10,00,000 जुर्माना, यानी 8-8 करोड़ का जुर्माना, और सरकार को 24 करोड़ रुपए उससे वसूल के कन्हैया लाल के परिवार को दे देगी। और अंतिम सांस तक आजीवन कारावास, अंतिम सांस तक जेल। इसलिए आपको अमेरिका में कभी कन्हैया लाल जैसा मर्डर नहीं मिलेगा, कभी आपको कमलेश तिवारी जैसा मर्डर नहीं मिलेगा, कभी सरतन से जुदा कर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आजीवन कारावास जो देते हैं ऐसी पेनाल्टी रखना है कि पूरे खानदान की प्रॉपर्टी बिक जाए तब भी ना पूरी हो। ऐसा कानून भारत में होना चाहिए कि नहीं? हमारे एक मित्र बैठे हैं, ऋषि बागड़ी जी बैठे हैं, ट्विटर पे बहुत अच्छा लिखते रहते हैं, मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूं, ऐसी बातें उठाइए ऋषि जी।